मैं आलोक प्रताप सिंह संवाददाता संपूर्णनगर थाना क्षेत्र से, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना संपूर्णनगर और थाना हजारा के मध्य में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पुलिया थी, ये रास्ता था थाना हजारा और थाना संपूर्णनगर का, जहाँ लोक निर्माण विभाग के द्वारा अभी हाल में ही यह थाना हजारा से संपूर्णनगर 6 किलोमीटर का सड़क और यह पुल प्रस्तावित हुआ था। सड़क तो अधूरी अभी पड़ी है, लेकिन पुल निर्माणाधीन है, लेकिन बीते दिन आए बाढ़ और जलस्तर बढ़ने से यह पुल बाढ़ में बह गया है। यही एकमात्र रास्ता है संपूर्णनगर और थाना हजारों को जोड़ने वाला, लेकिन बाढ़ में यह पुल बह गया है, जिसके कारण आवागमन बाधित है। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों और अन्य जेई द्वारा यह रास्ता बनाया गया है, एक वैकल्पिक रास्ता है जिसके माध्यम से लोग निकलते थे, लेकिन हाल में आए बारिश बरसात के कारण यह वैकल्पिक रास्ता भी जलमग्न हो गया है, और लोग अब ट्रैक्टर ट्रालियों के सहारे से इस मार्ग संपूर्णनगर से थाना हजारा जा रहे हैं। बाइक और पैदल और नाव के माध्यम से लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर पुल निर्माण सही समय पर हो गया होता, सड़क निर्माण में तेजी आई होती, तो यह दंश उनको झेलना ना पड़ता। आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ सुबह से शाम तक चल रही हैं, ट्रैक्टर ट्राली चालकों का कहना है कि हम मात्र 50 रुपये बाइक ले जाने के ले रहे हैं, बाकी सवारी का कुछ नहीं ले रहे हैं। अभी ट्रैक्टर आएगी, हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ से थाना हजारा जाने के कितने रुपये लिए जा रहे हैं। और आवागमन बिल्कुल बाधित है, लोग पानी में डूब कर चल के आ रहे हैं। थाना हजारा के गांधीनगर, रामनगर, कबीरगंज, नरोसा, शांतिनगर सहित आधे दर्जन गांव बाढ़ प्रभावित हैं, और इनका संपूर्णनगर थाना में रोजाना आना जाना होता है। इस बाढ़ में भी ये पानी से घुस कर आ रहे हैं। तो निवेदन यह करूंगा आपके माध्यम से कि ये आवाज़ जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचे और यहां पे जल्द से जल्द, क्योंकि ये बरसात का टाइम है, बाढ़ ख़त्म होनी नहीं है, हमेशा पानी चलना है। नीचे से जो उन्होंने बाईपास बनाया है, ऊपर इन्होंने व्यवस्था करनी है, ऊपर व्यवस्था करा देंगे। बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि आपकी बात और ट्रांस हरदा क्षेत्र की जो समस्या है, बहुत जटिल समस्या है, जनपद पीलीभीत के थाना हजारा पुलिस पूरनपुर प्रशासन को और जिला प्रशासन लखीमपुर को भी यह अवगत कराया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।